Stand by. Rolling. Okay. Kesavita, you may wish to pause and look up to your right somewhere. Think about it. क्या लिख रही हैं इसमें? संगीत के बारे में लिख रही हूँ. मुझे कुछ संगीत के बारे में लिख रही हूँ कि साहित्य का संगीत से क्या संबंध है और है कि नहीं, और क्या साहित्य से हम लोगों को कुछ रास्ते दिखाई देंगे या नहीं, सोच रही हूँ. मगर आपको क्यों लगा कि साहित्य और संगीत के साथ रिश्ता है भी? क्योंकि एवरी आर्ट हैज द सेम प्रिंसिपल्स. कट इट. Why do you feel there is a relationship at all? क्यों आपको ऐसा लगता है? इसलिए कि कोई भी कला हो, खास करके संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्यशास्त्र, ये सब कलाएं हैं. और कला का मतलब ही भाव का, भाव की अभिव्यक्ति करना, अंदर छिपे हुए भाव को एम्बॉडीमेंट करना या मैनिफेस्ट करना, यही कला होती है. और कला का कोई भी शास्त्र भाव को मैनिफेस्ट करने के लिए ही होता है. हम लोग शास्त्र इसीलिए सीखते हैं कि एक्सप्रेशन का मतलब भाव जो है दिल के अंदर छुपा हुआ. भाव दिखाई तो नहीं देता बाहर कहीं, तो उसको देखने का एक और भी तरीका कला के माध्यम से आता है, जो हम देखते हैं कि साहित्य में भी किस किस तरह मैनिफेस्टेशन होता है. इसमें जैसे कि भाव है, विभाव है, अनुभव है, संचारी है, इसी तरह हमारे संगीत में भी जब भाव मैनिफेस्ट होता है तो कहाँ भाव है, कहाँ विभाव है, कहाँ स्थायी भाव है, कहाँ सात्विक भाव है, ये देखने की कोशिश कर रही हैं. देखिए, लिटरेचर में जो भाव है वो लिटरेचर का ही भाव है, संगीत का जो भाव है वो संगीत का भाव है, दोनों में मेल कहाँ है? भाव तो यूनिवर्सल है भाई, किसी भी इंसान में भाव तो वही होगा. सभी जगह दुख है, सभी जगह सुख है. इस दुख को या सुख को अलग अलग माध्यम से मैनिफेस्ट हम लोग करते हैं. जैसे चित्र में सनसेट दिखाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं संगीत के सुरों में कि इस सनसेट को देख के हमारे दिल में कैसा भाव उत्पन्न हुआ है, कैसा लगा हमको, वो हम सुरों के जरिए आपको दिखाते हैं. किस प्रकार का सुर होगा ऐसे सनसेट के लिए? वो तो जब उस मन की अवस्था में हम जाएंगे तब आप ही आप निकल आएगा गले से. यही तो हमारे इंडियन क्लासिकल की खासियत है. क्लासिकल इस शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ क्लासिसिज्म कहाँ है.
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज सपोज टू बी द हाईएस्ट. अब जितने भी हैं, फिल्मी म्यूजिक है, गज़ल है, कवाली है, भावगीत है, अभंग है, भजन है, इन सभी आस्पेक्ट्स जो हैं उनमें शब्दों का और तालों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन सिर्फ स्वर संगीत में इसी भाव को लोगों के दिल में उतारना बड़ा मुश्किल है. हमारे पास सिर्फ स्वर हैं, देखने की कोई चीज़ नहीं है, स्पर्श करने की कोई चीज़ तो हमारे पास नहीं है. तो हमको और भी ज़्यादा गहराई में जाके डूबना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है कि कौन से सुर, कौन सी स्वरावली या दीदी ग्रुप ऑफ नोट्स या ए फॉर्म ऑफ इट्स फॉर्म क्या बताता है, क्या कहता है. Can you give an example of what you are saying? Example of what? In terms of music and a relationship with a particular mood. Is it possible to demonstrate? Demonstration तो बस ऐसे ही peripheral होगा, जैसे कि कोई वो तो it will be a frozen music. For that you should come to my concert and you should listen to me because that will be live. और जो भी जिंदा चीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन देना, इसमें मेरे ख्याल से वो बात नहीं रहती. Why do you feel कि पेन और सफरिंग जरूरी है सिंगर के लिए? जी नहीं, सिंगर के लिए नहीं, कोई भी कलाकार को अपने इस विश्व में चलने वाले जीवन के अनुभव जानना उसका फर्ज है, क्योंकि कला जीवनानुभव है. खुशी से नहीं पैदा होगी कला? जरूर होगी, क्यों नहीं. तो मगर आपने कहा कि पेन और सफरिंग से हाईएस्ट आर्ट शायद निकल जाए. क्योंकि जीवन का तो यही मतलब, हम लोगों को ये बताइए आपके कौन सुखी है, सभी तो दुखी हैं. दुखी का मतलब ये है कि वो वहां जाना चाहते हैं जहाँ से हम आए थे, और जहाँ से हम आए थे उस स्थान को हम आनंद कहते हैं. उस आनंद तक हमको ले जाना है किसी भी जरिए, मतलब चाहे कला हो या शास्त्र हो, तो जिंदगी जो है वहीं हमको ले जाती है और वहीं हमको ले जाएगी. अगर हम नहीं गए तो वो आप ही आप चली जाएगी, लेकिन वहीं बच जाएगी जहाँ से हम आए हैं. इट इज़ अ कम्प्लीशन ऑफ अ सर्कल. And what are you searching for in your music? I am searching for that bliss, and not only me, but I feel like giving that bliss to my listeners, to everybody. What is that bliss? अब आप अगर ये पूछेंगे कि आनंद क्या चीज़ है, हम आपको कभी नहीं बता सकते. वो आपकी अनुभूति है. जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि दुख भी क्या है. तो अगर आपको दुख का अनुभव है, आप जानते हैं दुख क्या है, दर्द क्या है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आनंद क्या है, क्योंकि ये एक किस्म का बैलेंस ही है, कभी दुख है कभी सुख है. आप, कहा जाता है कि आप जयपुर अतरौली घराने की हैं, लेकिन आप माफी चाहती हूँ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जिंदगी का असली रूप ही दुख है, जो हम इस जिंदगी में पहचानते हैं. हम पहचानते नहीं है, वो एक ही बात है जिसको हम आनंद कहते हैं. सुख और दुख ये आनंद के दो रूप हैं, और उस आनंद तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, हमें जो जिंदगी दिखाई देती है, अपनी हो या किसी और की हो, इसमें सिर्फ दुख ही दिखाई देता है. अद्वैत और द्वैत में यही तो फर्क है. द्वैत में सुख दुख का बस की हलचल रहती है, अद्वैत में तो कुछ भी नहीं रहता. वो जहाँ है वहाँ है, वो बदलता नहीं है. और जो बदलने वाली हमारी जिंदगी है, उसमें हम सुख दुख का अनुभव करते हैं. ज़्यादातर दुख हमको ज़्यादा दिखाई देता है,
हम ज्यादा अनुभव करते हैं दुख का, सुख का तो बहुत कम सुख मिलता है हमको, ये तो हर एक इंसान जानता है। तो इसलिए दुख हम ज्यादा पहचानते हैं। अब आपके जो घराने का एक एक्सपोनेंट कहा गया है जयपुर अतौली घराना, जो आप घराना, डू यू फाइंड इट कंस्ट्रक्टिंग, घराना क्या है और उसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस? बट इफ यू बिलीव इन द म्यूजिक इज यूनिवर्सल, देन यू कैन नॉट रियली bind yourself to a particular aspect of music. After all, notes are universal. The sentiments are universal. The feelings are universal. घराने का फायदा और मतलब क्या हुआ? मुझे, मैं विश्वास नहीं रखती इस घराने पे। म्यूजिक का जो आउटलुक है वो यूनिवर्सल है। यहाँ पर अगर कोई घराने करेंगे, घराने के बारे में सोचेंगे, तो उतना ही आस्पेक्ट हम गाएंगे। जैसे कि अब आगरा घराना है, वो ताल पर ज़्यादा महत्व देता है। जयपुर घराना है, वो दोनों बैलेंस रखता है, यानी कि सुर और ताल, जो भी सुर गाएंगे उस ताल के साथ संबंध रख के ही गाएंगे। अच्छा, किराना घराने के लोग हैं, वो सुरों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी संगीतकार हो, उसको सुरों से ताल्लुक रखना चाहिए, उसको सुरों से मतलब रखना चाहिए। जो यूनिवर्सल है, जो जनरलाइज हम कर सकते हैं, वो यहाँ तो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू हुआ कि हम इसी घराने के हैं इसलिए यही हम करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ऐसे तो बात नहीं होनी चाहिए। आई हैव चेंज्ड माई म्यूजिक बिकॉज आई फेल्ट दैट any feel can be manifested through notes, and therefore I studied the Sahitya Shastra for this, I studied Natya Shastra, and through those valuable books what I learned was to manifest a feel through notes. I don't restrict myself to a particular feeling, because स्वरों में अष्टभाव हैं, नवरस हैं, उनकी जान पहचान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि कई राग हमारे यहाँ ऐसे हैं, कई राग वीर रस के हैं, कई राग करुण रस के हैं, कई राग श्रृंगार रस के हैं। अगर हमने हमारी ही स्टाइल पे गाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वीर रस ही हमारे घराने के अंदर है, जो श्रृंगार रस हम नहीं दिखा सकते, या करुण रस की कोई भी मतलब के मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर सकते। आपका स्टाइल क्या है? बस हमारा स्टाइल तो वही है कि जो फील है उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और उसी का दर्शन होना चाहिए। उस दर्शन के लिए जो भी अलंकार जैसे भी हों हमारे कमांड में होने चाहिए, इसलिए हम साधना करते हैं। आपने कोई आलाप में कुछ चेंजेस लाए हैं जिस तरह से आप करते हैं? अभी देखिए, वीर रस अगर करना चाहें, आप मैनिफेस्ट करना चाहें, तो विलंबित आलाप ही नहीं चलेगी। या कोई दुख अभिव्यक्त करना चाहें तो उसमें खटकेबाजी नहीं चलेगी, ज्यादा अलंकार नहीं चलेंगे, उसमें डेफ्ट होनी चाहिए। तो उस डेफ्ट के लिए कौन से अलंकार इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अपनी डिग्निटी रख के यही मैं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर खट की कोई अस्थाई लें, इसमें कॉम्पोजिशन में आपको बताऊँ, वो कहता है, विद्याधर गुण जन सो कहा कहिए, कछु गुण चर्चा की लड़ाई लड़िए, जो कछु गाइए बजाइए, नेतर गुरुजन के चरण जाइए। अब वो गुस्सा करता है, इन दो विद्वान बैठे हैं संगीतकार, उनको कहता है कि आप ऐसे झगड़े करते हैं, भैया अगर झगड़ा करना ही है तो सुरों से करो ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी गुरु के चरण जाके पकड़ो। अब ये जो रस है वो हम ज़्यादा मीन खींचेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता है वो मैनिफेस्ट होगा। या कोई करुण रस हो और हम दौड़बाजी करते रहें या ताल के साथ झगड़ा करते रहें, तो वो रस उस राग में से कभी पैदा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है, यानी कि स्वरों से। मुझे
be able to sing that and tell us? Ji. Abhi jo aapne bola. Ab dekhiye. How should it be sung? अब मुझे करुण रस दिखाना है आपको, हाँ जी। तो अगर मैं ऐसे गाऊं, क्या इसमें आपको करुण भावना पैदा होती है आपके दिल में? तो इसलिए हर एक स्टाइल, मतलब कि हर एक भाव, हर एक रस के दर्शन से जब मैनिफेस्ट होता है, तो वो भाव मैनिफेस्ट होना चाहिए आपके संगीत में। आपने कितना कमाया है ये ज़रूरी नहीं है हर वक्त दिखाना। इसीलिए तो मैं, एक सवाल मेरे दिल में हमेशा पैदा होता है कि हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या चीज़ है भाई, कि कोई राग गाता है तो इसकी आलापी करो, फिर बोला करो, फिर बोलतान करो, फिर तान करो, फिर द्रुत करो, हर एक भाव की क्या यही फॉर्मेट होती है? आपको जब खुशी होती है तो आप नाचते हैं, गाते हैं, आपकी लय बढ़ती है, हाँ जी, आपकी हर एक एक्शन की लय बढ़ती है। इस तरह संगीत में अगर हमने नहीं दिया तो कोई ताजुब नहीं है अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया। करेक्ट, होल्ड इट फॉर अ सेकंड। देखिए, जैसे भीम पलास की एक चीज़ है जो शाम के वक्त गाई जाती है, रे बिरहा बमना सगुन विचारो, यानी एक शगुन विचारो, कब घर आए मोरा, जब से गए सुदहु नलिनी, किन सोतन बलमा रहे मोरा। अब उसका ये जो दुख है, दर्द है, वो रे बिर बमना सगुन विचारो का कंपोजिशन है जो लफ्जों में है। इस तरह अगर मैं गाने की कोशिश करूंगी तो शायद इस भाव के नजदीक पहुंच जाऊंगी। लेकिन रे बिरहा बमना आप मुझे बताइए कि इन दोनों भाव में कोई फर्क है कि नहीं? एक खूबसूरत है, दूसरे में नहीं। खूबसूरती का सवाल ही नहीं, यहाँ तो संगीत में सभी खूबसूरत होता है। अभी जो आपने गाया फिर भी वो खूबसूरत है। खूबसूरती का मतलब यही तो है ना, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम खूबसूरत अलंकार पेश करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम गहराई में उस भाव के चले गए, और जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे हम कहते हैं कि दिस इज़ द फाइनेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर फाइनेस्ट क्या है अगर हम उन लोगों को नहीं दिखा सके? तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये सही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नहीं हुआ। आपने कहा है कि संगीत का पावर ऐसा है कि प्रकृति को भी बदल सकता है, प्रभावित हो सकता है, it can affect nature. Can you explain that? जी हाँ, क्योंकि ऐसा है कि नाद जो है इस विश्व के अंदर भरा हुआ है सभी जगह पे। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ के नाद नहीं है, ध्वनि नहीं है। दोपहर के वक्त का एक सुर होता है, सुबह का एक सुर होता है। नाद का मतलब ही भाव है। तो
दोपहर को का सुर क्या होगा एक्चुअली? जैसे हम सारंग में मध्यम लगाते हैं, मध्यम असल में हास्य रस है, पंचम श्रृंगार रस है, मल्हार में पंचम ऋषभ दिखाया जाता है, इस तरह सुरों का भी कोई मतलब है। हमने ये भी सुना है कई लोगों से और ये भी पढ़ा है कई किताबों में कि पुराने ज़माने में जो भी संगीत के बारे में लिखा हुआ है वो सब सेंट्स थे, वो मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने लिखी हुई कोई भी चीज़ हम रिफ्यूज़ करने से पहले या रिफ्यूट करने से पहले हमें वो अनुभूति आई है या नहीं ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें वो अनुभूति नहीं आती है हम न तो ये कह सकते कि ये सही है न ये कह सकते कि ये गलत है। उन्होंने कहा है कि षड्ज ऋषभ मध्यम पंचम गंधार निषाद धैवत निषाद, सब सुरों के एक एक रस के ये सिग्निफिकेंट सुर हैं। इसका मतलब यह कि गंधार करुण है, मध्यम हासी है, पंचम श्रृंगार है। अब इस ज्ञान की अगर कोई मजा उड़ाए तो हमें ये पसंद नहीं है। हम उस रास्ते से जा रहे हैं उन्हीं के लिए, वो रास्ते से बाकी किताबों में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की मजाक उड़ाता है उसकी किताब पढ़ना टाइम ज़ाया करने के जैसे है। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि मध्यम हास्य और पंचम श्रृंगार इसका मतलब क्या है, हमें वो अनुभूति आती है या नहीं, हम इसी के साधक हैं। मेरा प्रश्न था कि कैन म्यूजिक अफेक्ट नेचर, के मतलब इसे बारिश हो सकती है? ऐसा है कि यूं समझे मल्हार का सीजन है तो उसमें हमने इन्हीं ऋषियों से के किताबों में से पढ़ा है कि इसमें ऋषभ पंचम वादी समाधि होते हैं और वैसे हम गाते भी हैं, कोई भी मल्हार पंचम ऋषभ से दिखाया जाता है। हम ये जानना चाहते थे कि पंचम ऋषभ ही क्यों, गंधार निषाद क्यों नहीं। तो फिर जब हमने किताब पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पंचम श्रृंगार है, अब वो मल्हार का सीजन ही श्रृंगार का सीजन है, वहाँ कलियाँ खिलती हैं, फूल खिलते हैं, पत्ते हरे हरे होते हैं, सब सीजन ही ऐसा लगता है कि क्रिएशन हो रहा है इस भूमि के अंदर, उसके साथ क्यों ना चले जाएं, उसके साथ हम अगर बह जाएंगे तो पता चलेगा कि सीजन क्या कहता है। आपको इसका एहसास हुआ है? जी हाँ, क्यों नहीं। क्या? सिर्फ ये है कि जब हम किसी सुर को कट से लगाए बैठ जाते हैं तो मेरा तो अपना अनुभव ये है कि मेरा अस्तित्व जो है, माई एग्जिस्टेंस इज दैट ऑफ माई बॉडी, माई माइंड एंड माई सोल। अब जब तक मुझे ये एहसास रहता है कि मेरी बॉडी है, मैं गा रही हूँ, मेरा कंठ है, दिन है रात है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि तुमने सुरों की ओर देखा ही नहीं। सुर एक ऐसी चीज है कि जो दिखाई नहीं जाती, दिखाई देती नहीं है, वो एक अनुभव है और उस अनुभव को अपनाने के लिए हमको खुद को बाहर निकाल देना पड़ेगा। हमारा जो भी है, यू हैव टू फॉरगेट योरसेल्फ, व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर इज अ नोट एंड इट्स एक्टिविटीज इफ देयर आर एनी। सो आई हैव टू कीप माय माइंड न्यूट्रल। सो यू लूज योरसेल्फ ओनली, यस, आई हैव टू कीप माय सेल्फ अवेक ओनली फॉर दैट नोट, ओनली देन आई थिंक आई विल बी एबल टू सी what the note says, hear what the note says, see how it is. तो न्यूट्रल माइंड को रखना ही भैया बड़ा मुश्किल है। तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इस जन्म में नहीं, खैर आगे जन्म में। इसमें आपको ऑडियंसेस कैसे लगती हैं ये? आपको नहीं, मैं मेरा 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 जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। कभी कभी ऐसे भी मुझे महसूस हुआ है, ऐसे भी मुझे अनुभव हुआ है कि उस अवस्था में जाके जब मैं पंचम लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ क्रिएशन हो रहा है। जब मैं गंधार लेके बैठती हूँ
ऐसा लगता है कि यू शुड लव एवरीवन बिकॉज यू फील. सैड इफ यू फील एनीबॉडी इज नॉट हैप्पी यू फील सैड. अपना अपना अनुभव है. अब मेरे कहने का ये मतलब कि जब तक हम न्यूट्रल स्टेट पे जाके सूरों को देखते नहीं हैं तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है किसी और ने जो भी कुछ कहा उसको रिफ्यूट करने का. अच्छा, ऑडियंसेस के बारे में आप क्या सोचती हैं? ऑडियंस के बारे में ऐसा है कि हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मतलब ये समझते हैं कि ये एक आत्मा की भाषा है. स्वर की भाषा आत्मा की भाषा होती है. तो मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो एक ही है. आई मीन दिस इज नॉट समथिंग मेटाफिजिकल दैट आई एम टॉकिंग. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव अ राइट टू से दैट विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आपके अंदर जो आत्मा है उसके साथ अगर मेरी गुफ्तगू हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप कल्चर हैं या अनकल्चर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और जहाँ जहाँ भी मेरे कॉन्सर्ट में लोग उठ के चले जाते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमी है. अभी मेरे अंदर, मेरी कला के अंदर वो बात नहीं है जो कि हर एक को बिठा सके अपनी जगह पे. वो तभी बैठेगा जब वो खुद को भूल जाएगा. और जब वो खुद को भूल जाएगा इसका मतलब ये होता है कि मैं इसकी आत्मा के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ और वो आत्मा रिस्पॉन्ड कर रही है. जब तक ये नहीं होता है ये दोष मेरा है, ऑडियंस का नहीं है. मगर यू हैव बीन नोन टू एक्चुअली बी वेरी अपसेट विद द ऑडियंस आल्सो. हाँ, इसलिए कि कभी सामने से ऐसा है, ये हम जब गाते हैं तो हम सोसाइटी में गाते हैं. हम किसी दरख्त के नीचे अगर गाएंगे तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे. पंछी जब आता है तो बैठ के चला जाता है, उड़ जाता है, लेकिन वो अनजाने उड़ जाता है. आप लोग तो जान के उड़ते हैं, आप लोग ये समझ के उड़ते हैं, आप लोग ये भी समझते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं और सिर्फ आपके खुशी के लिए. आपको ये भी सोचना चाहिए कि कोई कलाकार जब आपके सामने गाता है तो आपको कहने के लिए तरसता है कुछ भी, आपके अपने स्वरों के जरिए या अपने रंगों के जरिए आपको कहना चाहता है वो कुछ. कुछ तो रिस्पेक्ट रखिए. या हॉल के अंदर आइए ही नहीं. हम आपको बाहर जाके पूछने वाले नहीं है कि आप अंदर क्यों नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप अंदर आते हैं तो. इसीलिए अभिनव गुप्ता जी ने एक या किसी ऐसे ही ऋषि ने कहा है कि अपनी कला प्रदर्शित उसी के सामने करो जो कि सहृदय है. सहृदय जो कि दिल से आपका कहना सुनेगा. कोई भी किस्म की मलिस, कोई भी किस्म की इनहिबिशन अपने दिल में नहीं रखेगा. ऐसा ही जो श्रोता है उसी के सामने अपनी कला पेश करो. अब ये तो नहीं हो रहा है, हम सबका दिल खुश नहीं कर सकते, तो फिर सबको खुशी देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये मैंने जब सोचा तभी पता चला कि तुम शरीरों से मतलब मत रखो, आत्मा से रखो. आपको वैसे एक टेम्परमेंटल जीनियस जी तो कर रखी. हाँ जी, तो ये जो म्यूजिक का जो म्यूजिक की जो शक्ति है उसको आप कैसे एहसास हुआ? एक कोई उदाहरण. एहसास तो होता है सुरों का. एक बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं बाहर गांव गई थी. मेरे घर में छोटा सा पौधा था, छोटा सा, और जब मैं वापस आई तो एक तो बड़ा नाजुक था बेचारा,
अभी बढ़ने वाला था उसमें पत्ते थे छोटे छोटे, सो इट गॉट ड्राइड अप यू सी, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ट्री, सो बहुत रोना आया, बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन फिर भी वो स्टेम थी मिट्टी में खड़ी थी, तो मुझे I thought that I can, let me try that with music, अगर कुछ पत्ते आ जाएं, सुना है कि संगीत बड़ा नेचर पे इफेक्ट करता है ये वो, तो मैं रोज़ाना बस एक वो एक स्पॉन्टेनियस कॉम्पोजिशन भी आ गया, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन इसके थोड़े लफ्ज़ याद हैं, री बहारा डार डार पर परसो, आगे मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत सालों से मैं गाई नहीं हूँ, और एवरी डे आई टू सिंग बिफोर द ट्री, आफ्टर 5 or 6 डेज यू नो अगेन आई हैड गॉन समवेयर आउट, व्हेन आई केम बैक आई सॉ दैट देयर टू लिटिल टाइनी लीव्स टू दैट कमिंग आउट यू नो, और इतना आनंद हुआ मुझे कि मैंने कहा कि हाँ जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो सही है, इसको ज़्यादा साधना करके हम बढ़ा दें तो दुनिया के कुछ दुख हल कर सकते हैं, कहीं अगर फेमिन हो जाए तो कुछ गा के अगर पानी बरसे तो कितनी अच्छी बात है, खैर ये तो बहुत मुकाम बड़ा और नेस्टेशन बहुत ही ऊंचा है, लेकिन अच्छा सोचने में कोई हर्ज तो है नहीं। पुराना मेरा सवाल, आपको टेम्परमेंटल कहा जाता है, जीनियस भी कहा जाता है जैसे आपने कहा, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ना नहीं मालूम, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती आपको, आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं मैं नहीं जानती। यू हैव वेरी एक्सट्रीम रिएक्शंस टू थिंग्स, इज दैट ट्रू? यस, बिकॉज आई एम एन इंटेंस, आई हैव एन इंटेंस कैरेक्टर, बिकॉज if I cannot manifest the intensity of a feel, then I should not call myself a kalakar. Kalakar wahi hota hai jo spontaneous hota hai, aur spontaneity tabhi aati hai jab intense ho jata hai kuch dil ke andar, aur intensity duniya ke society ke norms aur regulations nahi dekhti mere khayal se, ki aapko kaise lagega, aapko acha lagega ya bura lagega, हमें जो अच्छा लगता है हम बता देते हैं, जो सही लगता है बोल देते हैं, एंड आई थिंक दैट आई एम नॉट रॉन्ग इन स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू फील दैट योर लाइफ हैज बीन अ स्मूथ वन? नो, इट्स नॉट, नोबडीज लाइफ इज फॉर दैट मैटर। एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन हैज योर प्रोग्रेस बीन स्मूथ? Actually, I had a very difficult life to lead as a musician because एक तो मैं घराने के बाहर चली गई, यानी एक सहारा छोड़ के बहुत बड़े सहारे की इल्तिजा रखी, मैं बाहर निकल आई हूँ, इसलिए लोगों ने बहुत ताड़ा मुझे, लोगों ने ये भी कहा कि I should be boycotted from the world of music because I am breaking away from the tradition. अब भैया बात ये है कि tradition भी कौन सी, हमारे यहाँ मुस्लिम invasions हुए, हमारे यहाँ ब्रिटिश invasions हुए, आप कौन सी परंपरा चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वो परंपरा जहाँ के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इस नेचर के ऊपर इफेक्ट करता था, हम वो गाना चाहते हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड गाना नहीं चाहते, हम वो यूनिवर्सैलिटी के पास पहुंच जाना चाहते हैं, तो अगर इस ये अगर करना है तो आप आपने को बंद करके नहीं रख सकते ना इसी एक कपाट के अंदर, जैसे कि आगरा घराना का हो या जयपुर घराना का हो या इस घराने का हो उस घराने का, सुर तो किसी भी घराने का नहीं है, तो इसलिए हमने जो किया आज तक
उसमें लोगों ने ये भी कहा कि जयपुर की स्टाइल में नहीं गाती हैं हम लोग, यानी कि मैंने कहा जयपुर स्टाइल क्या चीज़ है, ये इससे तो बड़ी नहीं है कि कोई भाव जैसे दिल में आता है उसी तरह स्पॉन्टेनियसली आ जाए स्वरों के अंदर से, तो इससे तो बड़ी बात नहीं है कोई, इससे कोई घराना बड़ा तो है नहीं, तो फिर क्यों रिस्ट्रिक्ट करें हम अपने घराने के, हमने जिस घराने में जो भी अच्छा था हमने ले लिया। लेकिन इस बॉयकॉट का कोई असर हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। कोई कलाकार अपनी कला का माध्यम उस हद तक ले जाना चाहता है तो फिर इस पर ध्यान देके बैठेगा, तो बस उतना ही करेगा जो आम लोग चाहते हैं। हमने वो किया जो कला चाहेगी। What are the difficulties of a classical musician today? I don't know, because whatever people talk about me, people come and listen to me in crowds. So I feel that my music touches the hearts of millions. आज आप किस तरह के नए नए रूप अपने म्यूजिक को दे रही हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं अपने म्यूजिक के साथ? हाल ही में मैंने बाला के साथ गाया था, और अभी फ्रेंच बैरोक म्यूजिक में भी मैंने गाया है उन लोगों के साथ। मैं परदेश में भी बहुत कम जाती हूँ, लेकिन मैं गाई हुई हूँ वहाँ। वहाँ पर मुझे एक सवाल पूछा था कि आप हमारे यहाँ जो आई हैं, कुछ हम लोगों के लिए आपका गाना आपको बदलना पड़ा कि नहीं? हमने कहा कुछ नहीं बदला मैंने, मैं तो, ये तो मेरी चैलेंज थी कि मेरा गाना आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, यानी आपको, आपके दिल को छूता है या नहीं, यही तो मेरी चैलेंज थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बदला। सो दिस इज व्हाट, ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट है ना, ये कोई फ्रांस में जाके गाओ, इंग्लैंड में जाके गाओ, अमेरिका में जाके गाओ, तो वहाँ के लोग तो हमारा एस्थेटिक्स और उनका एस्थेटिक्स का फर्क है। आपका फेवरेट राग कौन सा? पहले तो था, पहले मेरा भूप था, बागेश्री थी, फिर विभास था, अब जो भी राग मैं लेती हूँ और उसके ऊपर साधना करती हूँ तो उसका सौंदर्य इस तरह निखर आता है कि ऐसा लगता है कि बस ये तो उतना ही सुंदर है जैसे भूप है। और ये मैं पूछना चाह रहा था कि फिल्म संगीत के साथ भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके सिलसिले में कुछ बताएं। एक्सपेरिमेंट्स तो मैंने नहीं किए, मैंने सिर्फ गाया है, गीत गाया पत्थरों ने मैंने गाया था, पर इसके बाद मेरी माताजी ने मुझे रोका क्योंकि ये शब्दों का संगीत है और तुम जो करना चाहती हो या मैं तुमसे जो करवाना चाहती हूँ वो स्वरों का संगीत है, अब जो तुम चाहो सिलेक्ट कर सकती हो। तो ये मेरी गुरु है, मेरी माता मेरी गुरु भी है, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना मेरा फर्ज है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने स्वरों को देख लिया, स्वरों के साथ रही, मेरा अब इतना प्यार हुआ है स्वरों से कि कोई भी लफ्ज़ जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा कम प्यार कर रही हूँ स्वरों से, नहीं और ज़्यादा, सिर्फ स्वरों से मेरा वास्ता सिर्फ सुरों से रहे, बाहर के ताल से भी नहीं। आप किसी को सिखा रही हैं? जी हाँ, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे पास आए भी चले भी गए, कई लोग मेरे नाम के लिए आते हैं, कई लोगों को लगता है कि अभी मेरा नाम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि एक सुर को पहचानने के लिए एक जिंदगी नहीं, पता नहीं कितनी जिंदगी हमको गुजर जाना पड़ेगा, तो ये बहुत पेशेंटली करने की चीज़ है। आजकल के लोग तो, बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनको अलंकार चाहिए, उनको गिमिक्स चाहिए, उनको एक्रोबस चाहिए, उनको तानबाजी चाहिए,
वो तो सब है ही, वो तो आना जरूरी है, लेकिन जो पहली बात ये है कि सुर में लगना बड़ा मुश्किल है। हम लोग भी, मैं तो ये कभी नहीं कहूँगी कि मैं सुर में गाती हूँ, क्योंकि सारे गा मा पा धा नी सा, सब तक के जो सात सुर हैं उन सुरों में गाने से सुरीलापन है, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनी फील विच इज मैनिफेस्टेड बाय दिस विद दिस मीडियम ऑफ म्यूजिक, एवरी नोट मस्ट मैनिफेस्ट अ पार्ट ऑफ दैट फील। ऋषभ तो हर जगह कितने सारे रागों में लगता है, लेकिन शुद्ध कल्याण का ऋषभ अलग है, भूप का ऋषभ अलग है, उस भाव के अनुसार वो अपने रिलेशन बाकी के आम सुरों के साथ रखता है। जैसे सानी धरे सागा रे सानी धरे, शुद्ध कल्याण की धरे के साथ संगति होती है। जैसे आ आ आ आ आ, आ, आ ऋषभ लगता है। ऋषभ का आना जाना, ऋषभ की आहट, ऋषभ का ठहरना हर एक राग में अलग अलग तरीके से सुनाई देता है। उस ऋषभ की श्रुतियां, उस ऋषभ का आम सुरों से नाता, अपने भाव से नाता, राग से नाता, कई कई रंगों से एक सुर को देखना पड़ता है, तब जाके कहीं हम कहेंगे कि हम क्लासिकल म्यूजिक के साधक हैं। इससे खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक प्रश्न मुझे और पूछना चाहूंगा, लास्ट मेरा ये है, चेंज ऑफ थिंग, और वो ये है कि आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं, और शायद वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सेस्क्वसेंटेनियल सेलिब्रेशन से ही शायद कुछ ऐसा दौर स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ऑफ क्लासिकल कल्चर भी हो रहा है, और काफ़ी बड़े दर्जे पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे मोटे मोटे टिकट्स भी बेचे जाते हैं, और बहुत ऑडियो विजुअल्स, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन होती है, आर्ट ऑप्शंस होते हैं। एज एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जैसे जमाना चल रहा है इस तरीके से, चलना पड़ता है हम लोगों को भी, पर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी से। फॉर एग्जाम्पल, हम ये समझते हैं कि आप ऑडियो कीजिए, विजुअल कीजिए, न्यूमेटिक रिकॉर्डिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जब तक हम आंखें बंद करके अंदर जाके हम गा सकते हैं, तब तक आप कुछ भी कीजिए, हम पे असर नहीं होना चाहिए। अब आजकल का ज़माना ही मशीनों का है, कंप्यूटराइजेशन का है, डिजिटल रिकॉर्डिंग का है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, और दो जो नेचुरल है वो ही इटर्नल रहेगा, इतना ही हम जानते हैं। हम हमारे बच्चों को टेप रिकॉर्डर के ज़रिए नहीं सिखाते। एक तो बच्चों को ऐसा लगता है कि है मेरे पास टेप, कल करेंगे। जब गुरु के सामने शिष्य बैठ जाता है, वही वक्त होता है कि वो याद कर ले, उसको हृदय और बुद्धि से याद करना शिष्य का फर्ज है। और जो भी टेप के ऊपर गाना चला गया है, उसको जब वो बच्चा गाता है तो उसमें जो पहचान सकता है, उसकी बात मैं कह रही हूँ, उसमें वो जान नहीं रहती कि जिस जान के साथ गुरु ने जो भी चीज सिखाई हुई हो, इंक्लूडिंग दिस रिकॉर्डिंग। जी हाँ,
आप देखिए ना, अब मेरा भी रिकॉर्डिंग सुना था कि इंदिरा जी जब गुजर गई तो मैंने एक गाना गाया था वहाँ अपने वीडियो में टीवी पे, ज्ञानेश्वर जी का, माउली जी का था वो, जाने अजमी अजर, जाने अजमी अजर, अक्षय मी अक्षर, अपूर्व मी अपार, आनंद मी जाने अजमी अजर, कुछ ऐसे था। लेकिन लोगों ने बहुत तारीफ की कि क्या गाया आपने। मैंने कहा चलो बहुत ही अच्छा गाया होगा, सुन लेते हैं। तो मैं कुर्सी लेके बैठ गई, मेरे वीसीआर के सामने सुन लिया, लेकिन वो असर मेरे दिल पे नहीं हुआ कि जो आप लोगों पर हुआ था। एक बार मैं भूख गई थी और जानकारों में से, गुणीजनों में से बैठे थे लोग वहाँ, उनकी आँख में आंसू आए थे। चलो मैंने कहा बाबा क्या बात है, मैं भी लोगों के आँखों में आंसू ला सकती हूँ, ठीक है कल सवेरे सुनेंगे। बैठ के सुनी, आई वॉज जस्ट यू नो, जैसे कि एक हर कदम पे मुझे कोई ना कोई डिफेक्ट नज़र आने लगा। अरे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो मेरे माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया था, फिर ऐसा किया कैसे किया मैंने, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। खैर एक बार बिलास खानी तोड़ी गई मैं। अच्छा मैं शुरू से भाव में खुद को डुबो के गाती हूँ, मेरी मुझे आदत है वैसी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत इंटेंस हूँ, इसका असर आम लोगों में कभी बुरा होता है कभी अच्छा होता है। दूसरे दिन सवेरे मैंने सुनी तो बिलास खानी में जो अति कोमल गंधार लगना चाहिए, बड़ा नाजुक गंधार लगना चाहिए, वो तो एक बार भी नहीं आया था उस टेप में। और मुझे ये पता नहीं चला कि लोगों ने इतना बड़ा अप्लॉज दिया। तो दिस अप्लॉज कैन बी डिसीटफुल एट टाइम्स, फॉर दैट पर्पज यू शुड नो वॉट यू आर डूइंग एंड यू शुड नो वॉट यू आर गोइंग टू डू and you should also know what you have done with a free neutral mind. तब जाके कहीं अपने ही गाने में दोष दिखाई देते हैं, अच्छापन भी दिखाई देते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि कोई सुर मेरी ही टेप सुनती हूँ जब लगता है तो मेरी ही कंठ से आ क्या चीज़ है आ जाता है। जैसे अच्छा है वैसे बुरा भी है, पर अच्छे के बारे में सोचना साधक के लिए जो मेरे में कमी है वो निकाल देना साधक के लिए अच्छा होता है। जो कमियां हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उनको निकाल देने से जो रहेगा वो सच ही रहेगा, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है। कनेक्ट Siddharth, you tell me when to pull out. Kishore, kuch likhega. What's your focus? Pull Cut it, cut it. Bye.
square. Correct, correct, one more. अच्छा वन मिनट, बट लेट्स गेट हर पोजीशन करें। और थोड़ा सा आप सोचिएगा और फिर लिखिए। रोलिंग। हाँ, थोड़ा ऊपर देख के सोचें। टिल डाउन। ऊपर नहीं देख रही आप, देख लीजिए। ओके, कट दैट।